स्वागत है। दो तीन दिन से इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि क्या वीडियो बनाऊँ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। करने के लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है, मतलब तो दो तीन दिन हो गया इसलिए कोई वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ मैं। फिर भी मैंने कल कुछ बनाने को शुरू किया था और उसको सूखने में पूरा दिन चला गया और आज कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होते ही मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा। चलिए फिर वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये सीमेंट है, ये ज़रूरत के हिसाब से हम ले लेंगे। कम भी हो जाएगा तो बाद में फिर से मिक्स कर सकते हैं, तो अभी मैं इतना सा ही ले लूँगी। फिर इसमें पानी मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा। थोड़ा पतला घोल बनाना है, इतना काफ़ी है। ये पुराना बेसिन है, इसको मैं काट लूँगी। ऐसा एक कोना ले लूँगी। इसको पूरा राउंड शेप में काट लिया है। ये बकेट है, इसमें मैंने पॉलिथीन लगा लिया है। अब ये थोड़ा मोटा सा कपड़ा है एक, इसको मैं ये बकेट के शेप में इस तरह से मैं काट लूँगी इसको। अब इसके बीचों बीच में एक छेद कर लूँगी। ये जो घोल बना के रखा है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको लेके इसमें ऐसे इसको अच्छे से, इसको इसीलिए दे रहे हैं ताकि नीचे का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो। अब जो ये कपड़ा है जो मैंने काटा था उसको पानी में थोड़ा सा पहले भिगा लेंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐसे ही डाल देंगे। अच्छे से इसको डुबो देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से फैला देंगे और साइड में जो डिज़ाइन चाहिए उसको भी अच्छे से हाथ से बना देंगे ताकि वो अच्छा लगे देखने में। अब मैंने थोड़ा इस तरह का एक पॉट लिया है, इसमें बनाऊंगी मैं एक। इसको भी उसी तरह से पॉलिथीन लगा लिया है। इस कपड़े को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये दो कपड़े लिए हैं ताकि थोड़ा मोटा हो। चारों कोनों को थोड़ा थोड़ा ऐसे राउंड शेप में थोड़ा सा काट देंगे। ये हो गया है इस तरह से। अब इसको भी उसी तरह से इसमें डुबो देंगे। अब इस वाले को भी पहले वाले की तरह अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जैसा डिजाइन चाहिए उसको हमें पहले ही यहाँ पे ऐसे बना देना है। एक दिन लगेगा इसको सूखने में, ये सूख गया है अभी। इसके बाद इसको निकाल लेंगे। अभी ये इस तरीके का दिख रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट और लगा देंगे इस तरह से। दोनों पॉट में इसी तरह से फिर से सीमेंट लगा लेंगे और इस वाले सीमेंट को पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। अभी सूखने के बाद इसमें कलर कर सकते हैं। ये ऑरेंज कलर है। ये अच्छे से हो जाने के बाद ऊपर के हिस्से में ग्रीन कलर लगाऊंगी। मेरे पास ब्लैक कलर था तो मैंने ऐसे छोटे छोटे स्पॉट बना दिए हैं ब्लैक कलर से, ये अच्छा लगता है मुझे देखने में, तो ये इस तरह से लगा दिया है। और ऊपर के ग्रीन वाले हिस्से में वही ऑरेंज कलर का लगा दूंगी। ये वाला डिजाइन करना बहुत ही इजी है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब दूसरे पॉट में पूरी तरह से पहले ग्रीन कलर कर लूँगी। आप लोगों ने साइड में कुछ नोटिस किया? मेरा बिल्ली बैठ के देख रहा है कि ये क्या कर रही है। अब ग्रीन कलर पूरी तरह से हो चुका है। अब जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ पे मैं ऑरेंज कलर को लेके
लगा दूंगी वहाँ पे। मैंने दोनों पॉट का कॉम्बिनेशन ऑरेंज और ग्रीन ही रखा है। ग्रीन कलर में ये ज़्यादा अच्छे से चमक रहा है। बस ये हो ही गया है।